हेलो एवरीवन, मैं हूं टिया और मैं आज आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूं जिससे आपकी स्किन फेयर, क्लियर एंड ग्लोइंग एंड दाग धब्बे फ्री होगी। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि स्किन ग्लोइंग हो, फेयरनेस हो, दाग धब्बे ना हो। उसके लिए हम लोग मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बट वो कुछ दिन असर करता है, फिर स्किन वैसी हो जाती है। उसकी वजह यही होती है, हम लोग के स्किन के अंदर 4 लेयर्स होती है। जब हम लोग कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो स्किन तक रहता है एंड उसके बाद फिर वैसी स्किन हो जाती है। अगर आप कोई होम रेमेडी यूज़ करते हो और वो बहुत सस्ते में हो जाए तो उससे आपकी स्किन हमेशा के लिए खूबसूरत रहती है। तो आज मैं आपसे यही शेयर करूँगी, एक होम रेमेडी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने चेहरे को जल्दी गोरा करना है, इंस्टेंट ग्लो चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो इस होम रेमेडी को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। क्योंकि इस होम रेमेडी से आपका क्या होगा, जो भी आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, झाइयों का दाग है, चेहरे पे काले दाग हो गए हैं, मुहासे के दाग हैं या स्कार स्पॉट्स हैं, कोई भी किसी तरह का भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं एंड आपकी स्किन लूज होती चली जा रही है, दिन पे दिन एज फैक्टर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन है ये होम रेमेडी, जिसे मैं यूज़ करूँगी अपने फेस पर लाइव करके आपको दिखाऊँगी। अगर आप हफ्ते में इसे सिर्फ एक बार हफ्ते में यूज़ करते हो तो आप अपनी स्किन के अंदर जो फ़र्क देखोगे वो इंस्टेंट फ़र्क देखोगे, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ उससे फेयरनेस बहुत ज़्यादा स्किन की होती है, और ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करेगा, डीप क्लीनिंग करेगा अच्छे से। जो भी आपकी स्किन में गंदगी होगी, ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होगी, सारी प्रॉब्लम का सलूशन ये होम रेमेडी है। अगर आप इसे घर में यूज़ करते हो, और इसे बनाना भी बहुत आसान है, कुछ चीज़ें आप घर की किचन से ही ये रिलेटेड है, आप किचन से ही आप समझ लीजिए, मैं जो भी अपने चैनल पे आपसे शेयर करती हूँ, रेमेडीज शेयर करती हूँ, जो भी होम रेमेडी करती हूँ वो मैं घर से रिलेटेड, क्योंकि सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अफोर्ड कर सके महंगी महंगी चीज़ों को अपने फेस पे लगा सके। क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर आपको फेयर कर रही है, इंस्टेंट रिजल्ट दिखा रही है, तो ज़रूरी बात है उसमें केमिकल होगा ही होगा। तो इसलिए मैं आपके लिए होम रेमेडी लाती हूँ एंड वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपको इसका इंग्रेडिएंट बता दूंगी, हफ्ते में आपको इसे एक बार यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करना है। पहली चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो हम लेंगे टमाटो एंड इसका स्लाइस कर लेना है, क्योंकि टमाटर में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, जो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और इसमें क्या ब्लीच प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा लाइटन करता है, ब्राइटन करता है। एंड जो दूसरा इंग्रेडिएंट लेंगे वो हम लेंगे चीनी। हाँ जी, ये स्क्रब करेगा आपके फेस पे जो भी आपके स्किन के अंदर ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, जो भी गंदगी होगी, ये अच्छे से आपकी क्लीन करेगी, डीप क्लीनिंग करेगी। एंड जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो हम लेंगे हल्दी। अगर आपकी स्किन को हल्दी नहीं सूट करती है तो आप हल्दी को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको हल्दी सूट करती है, आपको चाहिए कि फेयर कॉम्प्लेक्शन जल्दी हो, तो आप हल्दी का यूज़ करें, अदरवाइज नहीं आप इसे स्किप कर सकते हैं। बट मेरा स्किन नॉर्मल है, मुझे हल्दी सूट करती है, तो मैं हल्दी को भी ऐड करूँगी, बट आप इसे स्किप कर सकते हो। एंड जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में कैफीन होता है, जो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, स्किन को शाइन करता है। एंड कॉफ़ी स्किन पे अप्लाई करने से क्या होता है, जो आपका फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है, जो भी दाग धब्बे होते हैं, यहाँ तक है कि अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं तो वो भी ये बहुत जल्दी रिमूव करता है। बट इस रेमेडी को आपको हफ्ते में एक बार यूज़ करना ज़रूर है, और अगर इंस्टेंट रिजल्ट देखना है तो आप इसे पहली बार में ही इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा इस रेमेडी को। और इसे कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, अपने फेस पे मैं डेमो करके आपको दिखाऊंगी। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और भी आगे वीडियो पे बने रहिएगा, और भी सारी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ स्किन के लिए। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। टमाटर को इस तरह से हमें कट कर लेना है, स्लाइस कर लेना है, लाइक जो चीनी रहेगी इस पर हम अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे इस तरह से। इस तरह एक ही स्लाइस में आपको सारी चीज़ें हो जाएगी, इस तरह कर लीजिए। एंड उसके बाद जो ये कॉफ़ी पाउडर हमने लिया है, इसको भी हम इस पर अच्छे से इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। आपको अलग अलग चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना है, क्योंकि झंझट की वजह से ही लोग होम रेमेडी से भागते हैं, घर की चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सारी चीज़ें इस तरह से आपको टैप टैप करके इसमें कर लेना है। ये हमारी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट,
इस तरह से एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ लेने के बाद हम इसके अंदर इस तरह से कट करेंगे, स्क्रैच करेंगे, ताकि जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो अंदर तक अच्छे से जा सके एंड टमाटर के रस के साथ मिल सके और हमारी स्किन पे अच्छा रिजल्ट लाए। तो इस तरह से आपको चाहे चम्मच से चाहे इस तरह के चाकू से आप इस तरह से आप इसे स्क्रैच कर लीजिए एंड आपकी जो होम रेमेडी है वो रेडी है स्किन पे अप्लाई करने के लिए। इसे अप्लाई करने से पहले आपको चाहिए अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो उससे आप अच्छे से अपनी स्किन को फेस वॉश कर लीजिए एंड उसके बाद इसे अप्लाई करिए। मैं इसे अब अप्लाई करना बताती हूँ एंड अप्लाई करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी, थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, क्योंकि जो भी रेमेडी मैं लेके आती हूँ वो मैं खुद पर यूज़ करी होती हूँ। जब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तब मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऐसे मैं कोई भी रेमेडी उठा के किसी का देख कर कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा खुद पर पहले चीज़ों को अप्लाई करती हूँ एंड उसके बाद आपसे शेयर करती हूँ। अगर रिजल्ट अच्छा है तो मैं शेयर करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं शेयर करती हूँ। तो चलिए इसे अप्लाई करना बताते कि स्किन पे से किस तरह से आपको अप्लाई करना है। फेस को क्लीन होना चाहिए एंड इस तरह से टमाटो को ले लेना चाहिए। आगे मैंने बताया था आपको कि किस तरह से सारी चीज़ें स्प्रिंकल करके फेस पे आपको 15 मिनट तक मसाज करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड उसके बाद आप चाहें तो फेस वॉश से, नहीं तो नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर दीजिए और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर या कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।